बस चाचा बस, उसने हमारे भाई का नाहक में खून किया है, हम उसको छोड़ेगा नहीं, जहां मिलेगा हम उसको वहीं मार देगा। इलाके में खून खराब आकर के तुम्हें क्या मिलेगा सैफ खान, नस्लें तबाह हो जाएंगी। वो तरह तबाह नस्लें, उसने हमारे मासूम भाई को नाक पे मार दिए, छोड़ेगा नहीं उसको, उसको मारेगा, उसको नामो निशान मिटाएगा। यही समझाने आया हूँ, इस तरह बदअमनी फैलेगी, रिश्तों में रिश्ते जुड़े होते हैं सैफ खान, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। क्या ठंडे दिमाग से, हमको आग लगा हुआ है खान, आग। वो हमारा रिश्तेदार था, उसने हमारा पीठ में खंजीर फूंका है। देखो सैफ खान, तुम्हारे दो बेटे हैं और तुम्हारा बाप दादा का नस्ल चल रहे हैं, क्यों लड़ाई में मजीद तबाही लाओगे? ठीक है ठीक है, आप ये तो मानते हो ना कि कत्ल मामा जी ने किया, ठीक है फिर हम कत्ल का बदला कत्ल से नहीं लेते, हम अदालत में जाएंगे, हम वहां केस करेंगे, फिर जो फैसला अदालत सुनाएगी, जो सजा देगी वो हम सबको मंजूर है। अदालत, अदालत, रोज खान ठीक कह रहे हैं, ठीक है, मैं उस बदबख्त का खून है अपने हाथों से नहीं करता, लेकिन अब ये काम अदालत करेगी, हम कल जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं, अब कानून ये करेगा, अब उसको फांसी दिलवाएगा, फांसी। वो खून बहा में अपने बेटी देने को तैयार है। सब रुका, बैठ जाओ। कैसे बैठ जाऊं, वो मेरी मंगेतर है, खून बहा में कैसे दे सकते हैं मुझे वो? तुम रोज हाँ बैठ जाओ, ये बात उस बदबख्त ने अपने जबान से बोला है। हाँ वो कहता है बहू की इज्जत मत दो, सुलहनामे पे दस्तखत कर लो लड़की के बदले। ठीक है, उस गीदड़ के औलाद को बोलो कल मौलवी को बुला ले, लेकिन कोई बारात मारात नहीं आएगा, सिर्फ दो लोग आएगा, फिरोज खान और मैं। बाप के बच्चे का जबान है, बोल देना उसको।